नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नौकरी का इंतजार कर रहे 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए बिहार में ही रहकर नौकरी करने का सुनहरा मौका है। यह भर्ती भारतीय डाक की तरफ से निकाली गई है। इसके तहत बिहार पोस्ट ऑफिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए बहाली आई है। इसके तहत सबसे अच्छी बात यह है कि इन पदों के लिए इंटर पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आप खेलकूद से जुड़े हैं तो ही इस बहाली में आपका नाम आना संभव हो सकेगा। और भी बहुत सी बातें हैं जो इस बहाली के बारे में फॉर्म भरने से पहले आपको जाननी चाहिए। तो चलिए, अब बिना देर किए आपको हम इस बहाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें हम आपको पदों की संख्या, आवेदन करने का तरीका से लेकर फॉर्म भरने के बारे में लास्ट डेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह बहाली बिहार पोस्ट ऑफिस विभाग की तरफ से लाई गई है। इसके रिक्रूटमेंट के तहत कुल 60 पद भरे जाने हैं, जिसके तहत पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस के पद भरे जाएंगे। बारी बारी से अगर पदों की संख्या की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट के 31 पद, शॉर्टिंग असिस्टेंट के 11 पद, पोस्टमैन के 5 पद और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 13 पद भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं बारी बारी से इन पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 12वीं पास अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके तहत पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों के लिए कैंडिडेट का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने से पहले 60 दिनों की बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी मांगी जाएगी। वही पोस्टमैन यानी कि डाकिया के पद के लिए कैंडिडेट का इंटर पास होना जरूरी है। इसके साथ ही लोकल भाषा यानी कि हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर ट्रेनिंग इन्हें भी मांगी जाएगी। वही बात अगर एमटीएस के पदों की करें तो इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन भर सकते हैं। हालांकि अब यहाँ हम आपको सबसे जरूरी बात बता दें कि इन सभी 60 पदों के लिए वैसे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स कोटे में आते हैं, यानी कि बेसिकली ये भर्तियां स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। बात अगर उम्र सीमा की करें तो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन के लिए उम्र सीमा 18 से 27 साल के बीच है। वही एमटीएस के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल के बीच है। साथ ही अलग अलग कैटेगरी को केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक अधिकतम उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिल सकती है। वही अप्लाई करने के लिए 100 रुपए शुल्क लग रहे हैं, जिसे किसी भी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस से ई पेमेंट के माध्यम से 21 दिसंबर तक कराना होगा। आपको बता दें कि अगर आप भी ये सारी अर्हताएं रखते हैं तो आप यह मौका हाथ से जाने ना दें, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया शुरू है और अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन के फॉर्मेट और अधिक जानकारी के लिए आप चेक कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी बिहार पोस्टल सर्किल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए तय फॉर्मेट में अपना आवेदन और अन्य जरूरी दस्तावेज नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर 31 दिसंबर 2021 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।